Hello students, in today's class we are going to learn second standard English lesson number 1.9 that is writing skills. Students previous video we dekha katha reading okay, matlab reading skill and uske katha let's speak. So students, in any language learning there are four skills. Okay. So which is the first skill which you use in order to learn a language? You listen to the language and learn it. पहली तो चीज़ ये होती है कि आपको किसी भी चीज़ को सुनना होता है फिर उसे प्रैक्टिस करनी होती है फिर आप उसे सीखते हो ठीक है जैसे कि आप देखते हो कि जब आप छोटे होते हो तो आपकी फ़ैमिली आपकी मम्मा वो अपनी मदर टंग में बात करती है फिर धीरे धीरे आप उसे सुनते हो उसे इनैक्ट करते हो और प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आप वो सारी चीज़ें सीख जा सीख जाते हो और वो फिर बोलने लगते हो सो स्लोली स्लोली वी लर्न अ लैंग्वेज सो फर्स्ट वी लर्न टू लिसन देन वी लर्न टू स्पीक देन वी लर्न टू रीड एंड फाइनली वी लर्न टू राइट मतलब पहले आपको क्या करना होता है पहले आपको प्रॉपरली सुनना होता है वेरी केयरफुली आप उसे सुनो फिर आप उसे लर्न करो फिर आप उसे बोलो और फाइनली फिर आप उसे लिखना सीखते हो ओके okay. नाव वी हैव डन सम लेसन ऑन स्पीकिंग वी हैव डन फ्यू लेसन ऑन रीडिंग ऑल्सो ओके आपने पहले पढ़ लिया है वो सारे लेसन्स कुछ लेसन आप स्पीकिंग पे हमने पहले देखा था वन पॉइंट सेवन फिर वन पॉइंट एट जो हमने ये सारी चीज़ देखी थी वो यहाँ पर मैंने आपको बताया जैसे कि ये क्या था ये स्पीकिंग पे था ठीक है लेट स्पीक उसके बाद हमने क्या देखा रीडिंग टाइम है ना और फिर हम क्या देख रहे हैं फाइनली राइटिंग स्किल देख रहे हैं ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट सम सेंटेंसेस ओके सो इन दिस लेसन वी विल राइट अ कॉम्पोजिशन टुडे सो व्हाट इज़ दिस कॉम्पोजिशन कॉल्ड दिस कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एज अ पिक्चर कॉम्पोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज अ पिक्चर कॉम्पोजिशन सो यर गिवन डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर विद मीनिंगफुल सेंटेंसेस ओके सो so, आज हम यही पढ़ने वाले हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं ओके सो पिक्चर कंपोजिशन इज़ अ कंपोजिशन इन विच यू डिस्क्राइब अ पिक्चर विद मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सो यू हैव टू यूज सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अ पिक्चर विच इज़ गिवन टू यू यहाँ पे आपको टू पिक्चर्स दिए गए हैं ओके सो फर्स्ट पिक्चर जो है उसके तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं सेंटेंसेस ओके okay?

पिक्चर्स को देखना है ऑब्जर्व करना है और फिर आपको वो लिखना है सो so, पहले आते हैं हम फर्स्ट पिक्चर पे। सो लेट्स रीड इट एंड राइट अबाउट थिंग्स पर्टिकुलर पिक्चर सो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज यू हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली इफ यू वॉन्ट टू राइट अबाउट यू विल हैव टू ऑब्जर्व वेरी केयरफुली दिस पिक्चर आपको इस पे लिखना है इस पिक्चर को तो बहुत ही ध्यान से देखना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है कौन कौन सी चीज़ें हैं ओके सो एज यू कैन सी देयर आर मेनी पीपल ओके सो देयर आर मेनी ट्रीज ऑल्सो एंड देयर आर बर्ड्स यहाँ पे देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं ओके एंड यू कैन राउट राइट अबाउट ऑल ऑफ़ दिस तो आप इसके बारे में सब सारी चीज़ों के बारे में लिख सकते हो ओके okay? बट बिफोर दैट यू विल हैव टू राइट वॉट इज़ दिस प्लेस मीन्स वॉट प्लेस आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट ये कौन सा प्लेस दिख रहा है तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है कि ये प्लेस कौन सी है ठीक है तो ये प्लेस क्या आपको किसी का घर दिख रहा है या स्कूल दिख रहा है या हॉस्पिटल दिख रहा है रोड दिख रहा है क्या दिख रहा है ये आपको बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारी ट्रीज़ हैं तो ये हमें क्या दिख रहा है देयर इज अग गार्डन ओके यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी देयर इज अग गार्डन तो ये क्या है बड़ा सा गार्डन है ओके देयर इज अग गार्डन मैनी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन मैनी मतलब बहुत सारे चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन ओके okay? सो एज यू कैन सीयर देर आर सेवन और एट चिल्ड्रेन ओके यर सो दैट मीन्स वी कैन राइट अ सेंटेंस अबाउट दिस चिल्ड्रन तो हमने यहाँ पर लिख दिया पहले हमें क्या दिखा ये गार्डन दिखा पहले सबसे पहले हम क्या बताएँगे कौन सी प्लेस है तो so, वो हमने लिख दिया कि एक बड़ा सा गार्डन है फिर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो so, हमने लिख दिया मैनी चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे आर प्लेइंग यानी खेल रहे हैं इन द गार्डन गार्डन में खेल रहे हैं ओके okay? सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड seek. हाइड एंड seek आपको पता है ना लुका छिपी जो होती है एक कोई पर्सन रहेगा एक कोई बच्चा अपनी आंखें बंद करेगा और सब लोग छुप जाएंगे फिर वो सबको एक एक करके ढूंढेगा वो होता है हाइड एंड सीक सम यानी कुछ चिल्ड्रन यानी बच्चे आर प्लेइंग खेल रहे हैं हाइड एंड सीक कुछ बच्चे यहाँ पे क्या खेल रहे हैं हाइड एंड सीक देखो यहाँ पे ये यह छुपी हुई है यहाँ पे ये यह छुपा हुआ है ये देखो ये अह uh, behind tree अह uh, behind the trees they are uh, seeing okay यहाँ पे देखिए ये यह सारे यहाँ पे दिए गए हैं now next one is there are many trees in the garden yes as we can see here there are many trees so there are many trees in the garden garden में तो trees होती है ना बहुत सारे तो ये sentence भी हमने लिख लिया एंड देर आर बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री तो हमने क्या देखा था और हमने क्या देखा यहाँ पे बर्ड्स हैं कहाँ पे ट्रीज पे ओके एक ट्री है जिसपे कि सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं ओके अगर आपको और सेंटेंसेस लिखने हैं तो आप और लिख सकते हो जैसे कि अभी हमने क्या देखा सिर्फ ट्रीज़ देखे ट्री ट्रीज़ के बारे में बातें की बर्ड्स के बारे में बातें की और जो बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं मीन्स हाइड एंड सीख खेल रहे हैं सिर्फ उनके बारे में हमने बात की लेकिन यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ हो रही है जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ड्राइंग हो किया जा रहा है और यहाँ पे एक लड़की है जो झूला झूल रही है सो यू कैन राइट मोर सेंटेंसेज लाइक वन चाइल्ड इज़ ड्राॅइंग समथिंग ओके एंड देयर इज़ अ टीचर और कोई भी हो सकता है एंड शी इज़ टीचिंग टू अ बॉय हाउ टू ड्राॅइंग हाउ टू ड्रा इट ओके तो यहाँ पर यह ट्री को यहाँ पर बना रहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपली आप लिख सकते हो वन चाइल्ड इज ड्राॅइंग समथिंग ओके सिम्पल आप लिख सकते हो एक सेंटेंस वन चाइल्ड वन चाइल्ड इज ड्रॉइंग डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्राॅइंग सम ड्राइंग ट्रीज़ ट्री दिख रहा है ना मैं हम लिख सकते हैं ड्राइंग ट्री ट्री भी हम लिख सकते हैं ओके ड्राइंग ट्री और एक लड़की यहाँ पे झूला झूल जुल रही है सो वी कैन राइट वन गर्ल इज़ प्लेइंग ऑन द स्विंग ओके वन गर्ल इज़ प्लेइंग ऑन द स्विंग या फिर वन चाइल्ड इज़ प्लेइंग ऑन द स्विंग तो इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस uh, लिख सकते हैं तो यहाँ पे फाइव सेंटेंसेस लिखे गए वन टू थ्री फोर फाइव आप और ऐड कर सकते हो जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कम टू द नेक्स्ट पिक्चर डिस्क्राइब द पिक्चर अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आप देखो यहाँ पे देख के लग रहा है कि एक फार्म है फार्म में क्या है यहाँ पे क्रॉप्स लगे हुए हैं क्रॉप्स किसके हैं क्रॉप्स हैं हमें दिख रहा है ये क्रॉप्स हैं बाजरे का है ना बाजरा और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है फार्म में फार्म में हमें दिख रही है दिख रहा है एक यहाँ पे ऑक्स है और यहाँ पे हमें दिख रहा है हमें यहाँ पे दिख रही है दो गोट्स और एक गर्ल है जो कि शी इज़ फीडिंग शी इज़ फीडिंग टू गोट ओके और यहाँ पे एक फार्मर है और उनकी वाइफ है और यहाँ पे मैं और कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो इम्प्लीमेंट्स हैं ठीक है अलग अलग जो फार्मिंग के लिए यूज़ होती हैं अब हमें यहाँ पे बनाना है जैसे हमने पहली चीज़ देखी पहला हमने देखा वैसे ही हमें यहाँ पे भी बनाना है दो सेंटेंसेस ऑलरेडी दिए गए हैं भाव राव इज़ अ फार्मर ही हैज़ अ स्मॉल फार्म तो भाव राव क्या है फार्मर है फार्मर यानी जो खेत में काम करते हैं जो क्रॉप्स उगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड फार्मर ही हैज़ अ स्मॉल फार्म उनके पास क्या है छोटा सा एक फार्म यानी खेत है अब ये दो सेंटेंस दिए गए हैं अब हमें और सेंटेंसेस बनाने हैं ये पिक्चर को ऑब्जर्व करके सो मैं आपको बताती हूँ ओके सो यहाँ पर देखिए आप दिया गया है भाव राव इज़ अ फार्मर भाव राव एक फार्मर हैं ही हैज़ अ स्मॉल फार्म उनके पास एक छोटा सा फार्म है ये जो खेत है ठीक है ही हैज़ अ स्मॉल फार्म भाऊ राव एंड हिज फैमिली वर्क ऑन द फार्म तो इनकी फैमिली में कौन है एक उनकी डॉटर है एक उनकी वाइफ है तो वही लिखा है भाऊ राव एंड यानी और हिज यानी उसकी किसकी भाऊ राव की फैमिली यानी आपको पता है फैमिली में हमारा परिवार वर्क यानी काम करते हैं ऑन द फार्म कहाँ पे खेत में खेतों पे काम करते हैं दोनों उनकी वो और उनकी फैमिली देर आर एनिमल्स ऑन द फार्मू यहाँ पे एनिमल्स भी हैं आप और भी बोल सकते हो देर आर ऑग्स देर आर यू नो गोट्स इस तरीके से भी लिख सकते हो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो उनके नेम को सो देर आर एनिमल्स ऑन द फार्म टू तो फार्म पर और क्या है एनिमल्स भी है हमने थ्री एनिमल्स देखे यहाँ पे राइट ओके द गर्ल इज़ फीडिंग द गोट द गर्ल इज फीडिंग द गोट तो फीडिंग का मतलब होता है खाना खिलाना तो देखो यहाँ पे चारा खिला रही है उसे घास खिला रही क्योंकि हमें पता है गोट्स घास खाते हैं ना सो so गर्ल क्या कर रही है फीडिंग यानी खिला रही है द गोट गोट को कुछ खिला रही है वो हमें दिख रहा है हम और भी यहाँ पे लिख सकते हैं देर आर सो देर आर मैनी इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स जैसे क्या होता है यहां पे देखो ये इम्प्लीमेंट्स हैं यहां पे इंप्लीमेंट्स है ये इम्प्लीमेंट्स हैं ओके जस्ट मिनट ओके सो ये हमने देखे उसके सेंटेंसेस ओके स्टूडेंट्स और आप यहाँ पे क्रॉप्स के बारे में नहीं लिखा है सो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्रॉप्स के बारे में देर आर क्रॉप्स इन फार्म और यहाँ पे आप लिख सकते हो देर आर मेनी इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स की स्पेलिंग में बता देती हूँ आपको आई एम पी एल ई एम ई एन टी एस इम्प्लीमेंट्स ओके सो इस तरीके से आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो सो आई होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना जब सब्सक्राइब करोगे ना चैनल तो बेल आइकन आएगा एक घंटी जैसे आता है उसको प्रेस कर देना उससे क्या होगा जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगी आपके लेसन के तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप ईजिल देख पाओगे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने फ्रेंड्स साथ भी ज़रूर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ओके